हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है। आप लोगों का विश्वजीत मन्नत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सैमसंग A33 का एक मोबाइल आया है जो ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ब्लू स्क्रीन हो जाता है, कभी कभी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहता है। इस तरीके का प्रॉब्लम है। सैमसंग A33 5G है, ये रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है फिलहाल तो, अभी जो मेरे पास जब आया है। तो आज हम इसको बनाएंगे। काफ़ी लोगों को पता ही है कि सैमसंग का जो है रिस्टार्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कि अगर वाटर डैमेज नहीं है, आपका ग्राफिक्स लाइटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जो ऑलमोस्ट जो इसका प्रॉब्लम होता है जो CPU से निकलता है। तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं है, और हमने काफ़ी दिनों से जो हम वीडियो नहीं बनाए हैं उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखिए, सैमसंग का जो है ना मदरबोर्ड इतना वीक है, इतना कमज़ोर है, अगर आप इस पर प्रॉपर काम नहीं करते हो एक बार में आपका काम सक्सेस नहीं होगा। नहीं तो आपको क्या EMMC को भी निकाल के रिपॉलिंग करना पड़ेगा, बराबर लगा नहीं तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, साइड का ग्लू क्लीन करके ऊपर में EMMC के पास में 5 रुपये का गोल्ड कॉइन नहीं होता, उस कॉइन को मैंने रख दिया, जिससे क्या होगा EMMC के ऊपर ज़्यादा हीट नहीं लगेगा। यहाँ पे शायद कोई कस्टमर आया था जिसकी वजह से मैं उठ के चले गए, इसके लिए इतना टाइम यहाँ पे गैप है। तो ये वीडियो अभी आपका जो है 3x स्पीड है, 3x स्पीड में चल रहा है। बीच बीच में कस्टमर भी आ रहे थे, तो उसके लिए वीडियो बनाने के थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो 50 आपको दिख रहा होगा सामने ही मशीन है, 340 पे मैंने रखा है उसको। ठीक है, ज़्यादा हीट बिल्कुल नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या होता है ना सैमसंग के जो मदरबोर्ड होते हैं काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके वजह से मतलब आपका EMMC भी उधर ड्राई हो जाएगा, तो आपको फिर से EMMC को भी निकाल के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 340 में लगा मुझे 2 मिनट जैसा लगा उसको निकालने के लिए। ठीक है, 2 मिनट जितना लगा है मुझे उसको निकालने के लिए। उसको निकालने के बाद में हम उसको EMMC को पूरी तरीके से क्लीन करेंगे, क्लीन करने का क्या प्रोसेस रहेगा, मदरबोर्ड को हम किस तरीके से क्लीन करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस हम बताएंगे वीडियो में, आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, हमने जो यहाँ पे इसका जो है CPU को तो हमने निकाल दिया है। ठीक है, निकाल के इसको साइड में रखिए। अभी हमको इसको इसका जो है मदरबोर्ड का जो ग्लू है उसको आराम से निकालना है। तो दोस्तों, मदरबोर्ड का ग्लू निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि सैमसंग में अक्सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है वाइट पेस्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के टाइम में ना CPU के साथ ही निकल जाता है, और थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप डिसोल्डिंग वायर से उसको क्लीनिंग करेंगे तो निकल जाएगा। मगर आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप डिसोल्डिंग वायर यूज़ करें, हीट आपका जो है सोल्डिंग गन का, अगर आप T12X का अगर सोल्डिंग गन यूज़ कर रहे हैं, 350-360 आप हीट रख सकते हैं, और हल्के हल्के मतलब ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, मीडियम से प्रेस करके जहाँ जहाँ पे आपका भी डॉट है वो वहाँ पे उस जगह से उसको क्या करना है, क्लीनिंग कर लेना है। तो क्लीनिंग करने के बाद में आपको देखना है कि कहीं से भी कोई से भी ट्रैक कटे ना, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी अगर कुछ NCK लाइन्स अगर निकल जाते हैं तो निकल जाने तो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत NCK लाइन्स अगर चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं, मगर ट्रैक एक भी नहीं कटना चाहिए। अगर एक भी ट्रैक कटेगा तो आपका फ़ोन जो है ऑन ही नहीं होगा, डबल मेहनत लग जाएगा उसमें। तो देखिए, मैंने सिर्फ एक ही बार डिसोल्डिंग वायर से उसको क्लीन किया, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से IP से साफ करूँ, क्योंकि जो थोड़े बहुत ग्लू होते हैं वो IP से क्लीन करेंगे तो वो जो है प्रॉपर क्लीन हो जाता है, उसमें फिर दोबारा डिसोल्डिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हाँ, कुछ कुछ अगर डॉट बचा हुआ है, आपको लगता है उसको क्लीनिंग करना चाहिए, तो उस जगह पे कर सकते हैं। चुपके 5 बार 6 बार उसके ऊपर डिसोल्डिंग मत कीजिए, नहीं तो उसका क्या ना नीचे का जो ट्रैक है वो आपस में जॉइंट हो गया तो वो एक प्रॉब्लम है फिर से। मिस्टेक लोग वहाँ पे यही करते हैं कि उसको बार बार घसते रहते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं, उस टाइम पर क्या जो है EMMC डैमेज हो, सॉरी CPU डैमेज हो जाएगा, नहीं तो मदरबोर्ड का लेयर डैमेज हो जाएगा। तो उस टाइम में एक आधा घंटा का काम 1 घंटा का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम EMMC को भी क्लीन कर रहे हैं, सॉरी CPU को भी जब हम क्लीन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं देखिए, बिना पेस्ट डाले हुए पहले हमने ग्लू रिमूव कर दिया, उसके बाद में पेस्ट डाल के डिसोल्डिंग वायर से हम क्या कर रहे हैं उसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने टिनर डाल के IP जो भी आप यूज़ करते हो ग्लू रिमूवर, उससे आप क्लीन करके उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से IP डाल के ब्रश से जो बचा हुआ गम है हम ब्रश से ही निकाल दे रहे हैं, क्योंकि सैमसंग का वाइट पेस्ट है ना, उसमें अगर बार बार अगर आप डिसोल्डिंग करोगे तो मदरबोर्ड IC क्रैचेस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार नहीं करना है। बाद में हमने क्या किया, सिंपली
पेस्ट लगा दिया, पेस्ट लगा के पीपीडी के साथ में इसका पॉइंट बना दिया। देख लो दोस्तों, ये नया सेटअप में कुछ बनाया हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सही, नहीं तो मुझे बताइए। अगर ये सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर माइक्रोस्कोप का अलग से वीडियो चाहिए जूम करके, अगर आपको लैपटॉप में दिख रहा है प्रॉपरली तो सही है, अगर और भी जूम करके चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। मेरे को लगता है इतना में दिख जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ तो लाइन्स और ट्रैक का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने काम कर रहा हूँ वहाँ पर दिख रहा है। ये मैंने कुछ एक नया सेटअप किया हूँ, देख मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने डिसोल्डिंग वायर से क्लीन करके मदरबोर्ड को अच्छे तरीके, सॉरी मदरबोर्ड बोल रहा हूँ, सीपीयू को प्रॉपरली क्लीन किया है, कहीं पे भी उसका एक डॉट हमने मिस नहीं किया, क्योंकि हमको देखना है कहीं से भी एक डॉट छुपा हुआ नहीं रहना, चमकना चाहिए, काला नहीं रहना चाहिए। अगर काला रहेगा तो आप उसको निकाल के दोबारा उसको रिबॉलिंग जरूर, सॉरी रिबॉलिंग बोल रहा हूँ, डिसोल्डिंग वायर से या पीपीडी पेस्ट से जैसे भी करके आपको पॉइंट बनाना है। पॉइंट बनाने का तरीका सबसे ईजी है, पेस्ट लगाइए, पीपीडी लगाइए, घसीए, पॉइंट बन जाएगा। उतना भी ज़ोर से नहीं घसना है, जिससे हमारा मतलब नीचे का जो सीपीयू का पेंट होता है वही उखड़ के आपस में चिपक जाए, तो काम बेकार है। ये दो तीन बार अगर कोशिश करेंगे जिसको नहीं आता है तो डेफिनेटली हो जाएगा। आईसी को एक बार रिबॉलिंग कीजिए, अगर परफेक्ट आपको लगता है नहीं हुआ और एक बार कीजिए। तो यहाँ पे हमने आईसी को रिबॉलिंग कर लिया, और यहाँ पे हमने लास्ट में रिबॉलिंग करने के बाद में कभी भी है ना पेस्ट दे के हिट करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके तीन चार पॉइंट जो है प्रॉपर बॉल रिबॉल हुए नहीं है, क्योंकि अगर उसको इसको इग्नोर करूँगा, अगर मदरबोर्ड में लगा दूंगा फिर से वो मोबाइल ऑन नहीं होगा, फिर से निकालना है, फिर रिबॉलिंग करना है, डबल झमेला है। इससे अच्छा आपको दिख रहा है गलती लग रहा है तो आप उसको निकालो, उसे को क्लीन करो, उसको सही से बराबर कर दो, उसके बाद में काम करो तो एक ही बार में परफेक्ट निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, तीन चार पॉइंट मुझे छोटे लग रहे थे तो मैं फिर से पीपीडी डाल के उसको रिबॉलिंग कर लेता हूँ दोबारा, क्योंकि दोबारा मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी अकेला हूँ, काम बहुत ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे चलिए रिबॉल हो गया बराबर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी पेस्ट, मामूली पेस्ट डालना है, हीट कर लेना है सभी पॉइंट को, हीट का आपको दिख ही रहा होगा 350 में हीट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सभी बॉल जब बराबर हो गए, सिंपली क्या करना है, मदरबोर्ड को निकालो, मदरबोर्ड को देख लेना है, कहीं से मेरे को लग रहा है बीच बीच में थोड़े थोड़े ना ऊँचा हुआ है, तो मैं ब्लेड से कट कर रहा हूँ। ब्लेड से आप ब्लेड को छोड़ दीजिएगा, डिसोल्डिंग वायर यूज़ कर लीजिएगा सबसे अच्छा है, क्योंकि ब्लेड से कभी कभी ना ट्रैक कट जाएगा अगर प्रॉपर हैंड स्किल अच्छा नहीं रहा तो। तो मेरे यहाँ पे बीच में तो बहुत सारे पॉइंट ऊंचे लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, डिसोल्डिंग वायर से उसको क्लीन कर दिया, जिससे क्या एक लेवल बन जाता है, जब आईसी लगाओगे तो आईसी का पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में मैच कर जाएगा, तो ऊपर नीचे नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा ना, कोई भी पॉइंट या कोई भी डॉट आपस में अटैच भी नहीं है, मतलब जुड़ेंगे नहीं, और प्रॉपर आईसी जो है प्रॉपर बैठ जाएगा। ये आपको इग्नोर नहीं करना है छोटा छोटा चीज़ को, आपको डेफिनेटली देखना है, जिसके वजह से क्या होगा, टाइम बचेगा और काम एक ही बार में हो जाएगा। गला थोड़ा बैठ गया, पता नहीं आपको सुनाई कैसे दे रहा है, कोशिश करता हूँ कि रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहूँ। तो इस बार लंबा गैप गया, मगर मेरे ख्याल से 2 महीना या 2.5 महीना कुछ हो गया, वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, काम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वीडियो बनाओ, उसको एडिटिंग करो, प्रोसेस लंबा है मगर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना सालों से जब हम इस काम पे आ रहे हैं तो इसको हम कैसे छोड़ रहे हैं, है ना। तो छोड़ के मत जाइए, वीडियो आते रहेंगे कंटिन्यू, कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक के ऊपर। ये वैसे तो सीपीयू का काम है, इसमें इस वीडियो में अगर बोलने गया तो जिनको सीपीयू का काम नहीं आता उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है और कुछ नहीं, जो काफ़ी लोग जाते हैं सीपीयू का कोर्स करने के लिए चुपके, पैसा वेस्ट है, खुद से प्रैक्टिस करो, देखो 2-3 CPU में हो, आप कहीं पे भी जाओगे ना उनका भी 2-3 CPU तो ख़राब करोगे ही करोगे, वो जितना भी बता के देंगे खाली क्या आपसे जो मिस्टेक हो रहा है वही आपको बताएंगे बस, क्योंकि CPU तो अभी भी आप निकाल सकते हो, रिबॉलिंग करोगे तो 3-4 बार में 1-2 बार तो सही होगा, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है ये आपको बताने वाला अगर कोई मिल जाए तो आपसे जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने IC तो लगा दिया है, और ऐसे लगाने के बाद में हम मदरबोर्ड में लगा के देखते हैं कि हमारा जो है फ़ोन ऑन, हमने EMMC को नहीं किया, ठीक है, EMMC को हमने किया ही नहीं, सिर्फ CPU को किया है, क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट किया, एक ही बार मेरे ख्याल से मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो चलिए, चार्जिंग लोगो आ गया है, इसमें चार्ज
थोड़ा कम है तो हम इसको ऑन करके छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग अगर आप सीपीयू रिबॉलिंग करते होगा कुछ प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ा ऑन होने में टाइम ले सकता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि फ़ोन रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो जब यहाँ पे इतना देर तक रुक गया है, रिस्टार्ट नहीं हुआ, तो फ़ोन 100% ऑन हो गया है, ऑन होगा ही होगा। तो हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है प्रॉपरली और रिस्टार्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करता हूँ फिर एक किसी टॉपिक के ऊपर, आप सेटअप कैसा लगा ये बताइए।